Hello friends, welcome to Truptis Biology. Today we will continue the chapter Human Reproduction. And today we will emphasize on hormonal control of male and female reproductive system. So let's start the lesson. Hormonal control of male reproductive system. ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हार्मोन किस तरीके से कंट्रोल करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हाँ, मैं आपको एक फ्लोचार्ट प्रोवाइड करूंगी, तो उससे आपको जो याद रखना वो मेमोराइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं और लास्ट में मैं आपको वो फ्लोचार्ट दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें बेसिकली दो हार्मोन ज्यादा से ज्यादा काम करता है आपका, तो वो क्या है, आपका FSH है और ICSH है। तो FSH क्या है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और आपकी ICSH क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ये ICSH से कंफ्यूज मत होना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे यही सेम हार्मोन को हम यूटिलाइजिंग हार्मोन LH भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा FSH और LH ये दोनों के बारे में आपकी NCERT बुक्स में मिलेगा। ठीक है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ICHS को ICSH को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये आपका इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो कौन सी सेल को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, कौन सी सेल को, आपकी इंटरस्टिशियल सेल को। यहाँ पे मैं उसी के लिए एक इमेज ले ली हूँ, आपकी जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के जो सेक्शनल व्यू है, तो इसमें ये देखिए आप इंटरस्टिशियल सेल्स को देख पा रहे होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, ICSH के बारे में, ये एक हार्मोन है, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये इसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपकी इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो आपकी इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट जो करता है उससे होता क्या है, आपका जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो उसको प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल सेल को भी स्टिमुलेट करता है और आपकी लेडिक सेल को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ICSH के बारे में हो गया, तो अब आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, आपकी सर्टोली सेल जो है उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, तो सर्टोली सेल हम पढ़े थे, ये देखिए यहाँ पे ये आपके सर्टोली सेल, आपको अगर याद होगा तो जब हम टेस्टिस के बारे में मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे तो वहां पे हम पढ़े थे कि एक जर्म सेल रहता है और एक आपका क्या सर्टोली सेल रहता है। तो सर्टोली सेल का काम क्या था कि नोरिशमेंट करना, ये सब हम पढ़े थे। तो ये जो है ये सारा आपका हेल्प करता है स्पर्माटोजेनेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल है एफएसएस सर्टोली सेल के ऊपर काम किया, एक्ट किया, स्टिमुलेट किया, जो भी किया, तो उससे होता है क्या है, आपका जो सर्टोली सेल है वो दो तरह की प्रोटीन सिक्रेट करता है, एक हो गया आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरे आपकी इनहिबिन। ओके, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो उसका काम क्या है, वो क्या करता है कि आपका जो एंड्रोजन है हार्मोन, मेल हार्मोन एंड्रोजन, उसको वो क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है। कहाँ पे एक्यूमुलेट करता है, आपके जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, यहाँ पे जो ट्यूबुलर एपिथेलियम, ये मैं आपको बोले ना कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के सेक्शनल व्यू है, तो ये हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो ये जगह पे, यहाँ पे देखिए सर्टोली सेल है, इस जगह में वो एक्यूमुलेट करेगा आपके एंड्रोजन हार्मोन को। ठीक है, तो जिसके वजह से आपका जो स्पर्माटोजेनेसिस है जो भी है वो सारा चीज में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम। तो दूसरे आपकी इनहिबिन का काम, इनहिबिन का काम क्या है, इनहिबिन is released into the blood when the sperm count is too high. Inhibin word से ही आपको पता चल रहा है, inhibit से inhibin आया है। ठीक है, तो ये हमेशा check करता है। ठीक है, तो किस चीज को, जब हमारा sperm count ज्यादा हो जाता है उस टाइम ये क्या करता है कि ब्लड में रिलीज होता है, जिसके वजह से कि जो आपके गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है और FSH हार्मोन है इसको वो थोड़ा सा इस हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। इसी के लिए इस हार्मोन का नाम हो गया आपकी इनहिबिन, जो कि है आपकी स्पर्माटोजेनेसिस, जिसके वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ये हो गया आपकी सर्टोली से किस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो
ये जो हम डिस्कशन किए हैं ये प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा पॉइंट है, ताकि आप रिकॉल कर लें कि जो ये सेमिनिफेरस टेबल में आपको दिखाई थी, यहाँ पे एक मेल जर्म सेल होता है, मैं पहले से बोली कि जो आपकी मेल जर्म सेल होता है और एक सर्टोली सेल होता है। तो जो आपका ये देखिए ये है आपकी सेमिनिफेरस टेबल, तो जर्म सेल से क्या मैंने प्रोड्यूस होता है आपका मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, और जो आपकी सर्टोली सेल था उसका काम क्या था कि वो नोरिशमेंट करें। तो ये हो गया। तो जो आउटसाइड जो रीजन रह गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल का, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जिसमें आपका आईसीएसएस काम करता था। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स थे और कुछ इंटरस्टिशियल सेल थे, तो उस इंटरस्टिशियल सेल को हम लेडिक सेल बोलते हैं। तो ये सारी चीज जो है इसको थोड़ा सा याद रखिए। और जो है फ्लो चार्ट यहाँ पे देखिए, ये है आपका फ्लो चार्ट। तो ये जो दो हो गया, ये हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारा पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से। तो ये जो है ये आपकी आईसीएसएस किसको स्टिमुलेट करता है, आपकी लेडिक सेल को, जिसके वजह से होता है क्या है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ये क्या है आपके एफएसएच है, ये किसके किसको स्टिमुलेट करते हैं ना, जर्म सेल के ऊपर एक्ट करता है, जिसके वजह से आपकी जर्म सेल में गैमेटोजेनेसिस का स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस का, और गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या है आपका, ये हो गया आपके मतलब एफएसएस कहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। तो एफएसएस कहाँ पे एक्ट करता है ये हो गया। तो अब हम ये जो है आपकी जर्म सेल के ऊपर एक्ट करते हैं, और एक आपकी सर्टोली सेल के ऊपर, और एक आपकी सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, जब सर्टोली सेल के ऊपर ए एफएसएस एक्ट करता है तो क्या होता है, सर्टोली सेल आपका दो प्रोटीन सीक्रेट करता है, जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एक है इम्यून। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम और इम्यून का काम हम जान चुके हैं। तो ये जो डायग्राम है इस तरीके से आप इसको ऐसे बना के अगर पढ़ोगे तो ये इजिली मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके फीमेल हार्मोन, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन कौन सा हार्मोन किस तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो हार्मोन है एफएसएस हार्मोन है और एलएच हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो एफएसएच और एलएच है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है तो इसका काम क्या है आपका एफएसएच का, देखो ये आपकी फॉलिकुलर सेल के ऊपर एक्ट करता है, तो जिससे आपकी मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम आपका ओजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफएसएस का काम। तो ये एलएच जो है आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है आपकी ओव्यूलेशन में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो एफएसएच और एलएच हो गया ये कहाँ किसके ऊपर एक्ट करते हैं, आपके ओवरीज के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओवरीज से ओवा प्रोड्यूस ओवा हो गया, और फिर आपकी ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से कहाँ से किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, ये देखिए आपकी ग्राफियन फॉलिकल। तो आपके ग्राफियन फॉलिकल से ये आपके कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये जो आपके एलएच हो गया ये हेल्प करता है ये जो कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस में, इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो आपकी
फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, आपकी जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वो क्या क्या है उसको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपकी एपिसिस, फॉलिकुलर सेल के ऊपर एक्ट करता है, फिर उससे ग्राफियन फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन में आपकी LH जो है वो उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है ओव्यूलेशन में। तो फिर आपका कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, और जो आपका फॉलिकुलर सेल है वो ऑस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है। तो आपके ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये है जो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो और एक चीज के बारे में हम जानेंगे जो कि HCG ह्यूमन क्रोरियोनो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, इसके बारे में हम इस टाइम पे हम पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन, प्लासेंटा फॉर्मेशन, उस टाइम पे इसका इसकी जो वर्क है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिक क्या क्या आपका आ गया कि ये हाइपोथैलेमस ब्रेन की जो है वहां से मतलब सिग्नल आते हैं जो आपकी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है आपकी वो होता है, सीक्रेट होता है। तो वो क्या करता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अभी आप FSH और LH सीक्रेट करो। FSH और LH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, वो किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ओवरी के ऊपर एक्ट करते हैं। तो जो हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, आपके जो फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन ऑस्ट्रोजन उसका वो फॉर्मेशन होता है और ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो ओव्यूलेशन में कौन सा बेसिक जो हेल्प करता है वो क्या है, आपके ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो हार्मोनल कंट्रोल हम पढ़ रहे थे, तो इससे हम जो चेंजेस आता है वो क्या क्या है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो फीमेल में क्या होता है, एक पुबर्टी टाइम में रहता है जो हार्मोन के चेंजेस के वजह से आपका जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते हैं, अभी हम डिस्कस किए। तो वो सब क्या है, तो आपकी जो पुबर्टी पीरियड है और मैच्योरेशन पीरियड वो फीमेल में 11 ईयर से 14 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उनकी लाइफ स्टाइल क्या मतलब फूड हैबिट इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 11 से 14 ईयर होता है फीमेल के केस में, तो उसी हिसाब से मेल के केस में क्या होता है, उनका 13 से 16 ईयर होता है, ठीक है। तो फीमेल में होता क्या है, आपका जो चेंजेस क्या क्या आते हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है इससे, मतलब इस हार्मोनल चेंजेस से, और फिर आपका ओव्यूलेशन भी होता है और वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन हम बात कर चुके हैं जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनल एंड रहता है, वहां पे जो लार्ज बोन रहता है उसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं, उसी रीजन को पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो उसका वाइडनिंग होता है। ये जो वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन जो ये किस चीज में हेल्प करता है, जिस टाइम पे आपका मतलब बच्चा कंसीव करेगा उसके लिए बेड रहता है ना यूटेरस, वो उसके लिए थोड़ा सा यूटेरस स्ट्रेच होना जरूरी है बच्चे का ग्रोथ के लिए। तो उसी चीज को ये हेल्प करता है वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन जो आपकी पुबर्टी के टाइम पे होता है और हार्मोनल की चेंज कंट्रोल के वजह से ये होता है। तो ये हो गया। तो और दूसरा चीज क्या है, आपके एनलार्जमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट उसका एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, तो एक्यूमुलेशन फैट कौन कौन सी जगह में, आपके थाई रीजन में, हिप रीजन में, उस जगह में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये है जो जो चेंजेस आता है फीमेल में, ठीक है। उसी हिसाब से मेल में भी चेंजेस आता है। तो वो क्या है, आपका जो पुबर्टी तो हम बात कर चुके हैं कि आपके 13-16 ईयर के अंदर होता है, ये भी उसी की तरह डिपेंड करता है कि वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, ऑल दोस थिंग, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम बात कर चुके हैं उसके बारे में, वो भी होता है। और आपका जो वॉइस है वो थोड़ा सा मतलब डिपेंडिंग मतलब थोड़ा सा लाउड हो जाता है, एक स्वीट वॉइस रहता है पहले से, लेकिन आपके इस पुबर्टी के बाद आपका क्या होगा, वॉइस थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद और क्या है, आपका जो हेयर पैटर्न ऑन बॉडी, तो आपका बॉडी में जो हेयर का ग्रो होता है मेल के केस में, उनका जो है मूंछ, दाढ़ी, ये सब निकल आता है, तो वो है आपकी जो सेकेंडरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर होता है और एक चीज के, आपकी हाइट इंक्रीज करता है, ठीक है। हाइट इंक्रीज हो जाता है बहुत मतलब जल्दी जल्दी उस टाइम पे बढ़ते हैं, ग्रोथ जो है
वो हाइट में बहुत ज्यादा मतलब लंबे होते जाते हैं, और जो है उनका शोल्डर का मतलब भी वाइडनिंग होता है, शोल्डर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो है ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपकी हार्मोन कंट्रोल करता है। और किस तरीके से क्या कंट्रोल करता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि FSH LH किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जो आपकी ICSH और FSH है वो किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड टू दिस बायोलॉजी फॉर मोर सोच वीडियो। थैंक यू सो मच।